हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम साइंस के क्लास में पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट एवं लोहार बिक्रिया। तो चलो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका साइंस बुक है ना, पेज नंबर 61, यहाँ पे कॉपर सल्फेट द्रव्य एवं लोहार बिक्रिया जो है ना वो अच्छे से दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक टेबल चामच कॉपर सल्फेट अर्धे कप जलेर साथे मिशाओ, ए मिश्रित द्रव्य को एक फुटा लघु सल्फ्यूरिक एसिड जुग करो। तो पहले हम क्या करेंगे, जल लेंगे, एक कप पानी लेंगे, उस पानी में हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद वहाँ पे हम क्या मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, ठीक है, फुटा लघु सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट, एक टेबल चामच कॉपर सल्फेट अर्धे कप जलेर साथे मिशाओ, ए मिश्रित द्रव्य को एक फुटा लघु सल्फ्यूरिक एसिड जुग करो, ए द्रव्य रंग नील हो जाबे। तो हम पानी में क्या मिलाएंगे, सबसे पहले कॉपर सल्फेट, उसके बाद फुटा लघु सल्फ्यूरिक एसिड, और उस द्रव्य का रंग बाद में नीला हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट द्रव्य और इसका रंग क्या है, नीला है। तो कॉपर सल्फेट द्रव्य में अब हम क्या मिलाएंगे, आयरन मिलाएंगे। आयरन को हम कैसे लिखते हैं, FeB लिखते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा ब्लेड होता है और जो गौजाल होता है ना, आयरन नेल, तो उसमें क्या होता है, इसमें आयरन होता है। तो ब्लेड और जो आयरन नेल होता है ना, गौजाल, उसमें क्या होता है, आयरन होता है। तो अभी हम कॉपर सल्फेट द्रव्य में आयरन मिलाएंगे। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, ब्लेड को ले लिया, ठीक है। तो ब्लेड को हम अभी कहाँ पे मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट द्रव्य में, और देखेंगे कि इसके बाद क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है, ठीक है। बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का द्रव्य है जिसका रंग क्या है, नीला है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ब्लेड को मिला देती हूँ, इसका रंग शोभुष रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये रंग का परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि कॉपर सल्फेट द्रव्य में ब्लेड को मिलाने से इसमें एक नया पदार्थ का उत्पन्न हुआ जिसका नाम है आयरन सल्फेट, और इसके वजह से इस द्रव्य का रंग नील से शोभुष रंग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्लेड को डाला था इसलिए इसका रंग शोभुष रंग में परिवर्तन हुआ और एक नया पदार्थ का उत्पन्न हुआ, आयरन सल्फेट, ठीक है। और साथ में जैसे ही मैंने ब्लेड को निकाला बाहर, तो ब्लेड का रंग क्या होता है, सिल्वर चांदी रंग का होता है, लेकिन ब्लेड का रंग अभी क्या हुआ, बादामी रंग, ठीक है, थोड़ा लाल बादामी रंग जैसा हो गया ना, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर, ठीक है, कॉपर लग गया है। तो कॉपर भी एक नया पदार्थ का उत्पन्न हुआ। तो इस बिक्रिया में आयरन सल्फेट और कॉपर, ये दो पदार्थ का उत्पन्न हुआ। तो स्टूडेंट, हमने क्या सीखा, कॉपर सल्फेट द्रव्यते आयरन मिशाले रासायनिक परिवर्तन घटे, कॉपर सल्फेट एवं लोहार बिक्रियार फले एकटी नतून पदार्थ आयरन सल्फेट उत्पन्न हय। आयरन सल्फेट प्रस्तुत होवार जन्नय द्रव्यर रंग नील थेके सबुज होयेछे, लोहार उपरे बादामी रंगेर जे आस्तरण पड़ेछे ता कपारेर एकटी नतून पदार्थ। ए बिक्रियाते एभावे लिखा जाय, कॉपर सल्फेटेर द्रव्य प्लस आयरन, उससे बनता है आयरन सल्फेट और हमारा कॉपर। तो स्टूडेंट, इस वाले बिक्रिया से हमने क्या सीखा कि जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन मिलाते हैं, ठीक है, अब आयरन होता है लोहा और ब्लेड में, तो जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाते हैं तो उसमें दो नया पदार्थ का उत्पन्न होता है, एक है आयरन सल्फेट और दूसरा है कॉपर, और द्रव्य का रंग नील से शोभुष रंग में परिवर्तन होता है। तो ये किसका उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आई होप स्टूडेंट, आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना।